तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सो दैट, एक फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल जो है इस तरह से दिया हुआ, ये बना था तुमसे, तो देखो कैसे बनेगा। इस पॉइंट का नाम है डी एफ और बी, इस तरह का पॉइंट बना हुआ इस ट्राइंगल में, और ये ट्राइंगल है ए सी और ई, इस तरह का फिगर गिवन है और सब पॉइंट का नाम दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए पी सी डी एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये सब का सम 360 के इक्वल प्रूफ करना है ना, ये सब का सम 360 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये हम कर रहे हैं अब सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस फिगर में कितना ट्राइंगल नज़र आ रहा है, दो देख लो, डी एफ बी और ए सी ई, ठीक है। इन ट्राइंगल पहले एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी, ठीक है। इस ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, मतलब ये वाला एक अच्छा एंगल ही है, ये एंगल और ये एंगल है ना, एंगल ई, ये सब का सम कितना होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन वन। अब ट्राइंगल में आते हैं, दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, देखो एफ डी बी ये वाला है एंगल, ट्राइंगल है एफ डी बी। इस ट्राइंगल में एंगल एफ प्लस एंगल डी, अच्छा एंगल एफ के बाद कौन सा एंगल आ रहा है, डी, ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल बी, ये तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री, ये है इक्वेशन टू। और ये भी किस कारण से आया होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के, ठीक है। अब देखो एक फ्रॉम इक्वेशन वन और टू को ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड करा देते हैं, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को क्या करा रहे हैं वो ऐड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, और ये सब का सम कितना गिवेन है 360, सॉरी 180, प्रूफ करना है सबको, ठीक है, ये 180। सेकेंड इक्वेशन देखो, एंगल एफ प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी, और ये सबको सब कितना गिवन है 180 डिग्री, और इसको करा लो ऐड। तो देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी को मैंने ये वाला साइड को एक साइड हम लोग ऐड करेंगे और उधर वाला को एक साइड करेंगे, तो इधर कर लेते हैं हम लोग, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी, ठीक है, और इधर एड करा लो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इसको सीरियल कर लो, एंगल ए इसके बाद एंगल बी है ना,
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, है ना, सिर्फ सीरियल कर रहा है, बाकी सब हो गया है, एंगल एफ। और ये सब का सम कितना है, और ये हम लोग को प्रूफ करना था, है ना। तो प्रूफ करना आसान होता है, सिर्फ क्वेश्चन समझने भर का देरी है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 22 में एक फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है इस तरह से, और क्या है तो यहाँ से एक लाइन है और यहाँ से ये 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और एक लाइन यहाँ से ये बाइसेक्टर है, तो सबको पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये है बी एम और एन, और ये है सी और ये पॉइंट है ए, और ये गिवन है 70 डिग्री, ठीक है, और ये गिवन है 20 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ये जो है ए एम है ना, ये परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी लाइन पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ये पता है, ठीक है। एंड ए एन इज द बाइसेक्टर, ए एन क्या है, बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल का, समझवाया। अगर ये बाइसेक्टर है ए एन, तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में कैसा होगा, इक्वल, ठीक है। इफ एंगल ए, ठीक है, इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड द एंगल एम ए एन, एम ए एन मतलब ये एंगल हम लोग को निकाल कर देना है, ठीक है। तो उसको एग्ज्यूम कर लेते हैं हम लोग एक्स, ये एंगल हम लोग को निकाल कर देना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, गिवन क्या क्या है, तो गिवन हम लोग के पास एक ट्रायंगल गिवन है, जो ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, कि ए एम जो है, ए एम जो है बाइसेक्टर है या सॉरी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी में। ए एम क्या है, परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, बी सी पे। देखो कैसे लिखना है इसको, है ना, फिर से। और क्या गिवन है, कि ए एन, एन क्या है, बाइसेक्टर, एन बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। ये एंगल ए का क्या है, ये वाला बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर है तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल आपस में कितना क्या होगा, इक्वल होगा, तो ठीक है। तो अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, अच्छा फाइंड करना है ना, फाइंड, फाइंड क्या करना है, एंगल एम ए एन, ये हम लोग को निकाल कर दिखाना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे, है ना, किसका निकालेंगे, ये पूरा एंगल का, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या जानते हैं, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो एंगल ए कितना गिवन है, ये निकालना हम लोग को, है ना। एंगल बी कितना है, 70 डिग्री, और एंगल सी कितना है, 20 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल लिए पता चल रहा, ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल लिया है ना, ये ट्रायंगल में ये गिवन है, ये गिवन है, ये आराम से निकल जाएगा, है ना, एंगल ए निकालना है यहाँ से। तो ये तीनों का सम कितना गिवन है, 180 डिग्री, यहाँ से एंगल ए फाइंड कर लो, तो 150 होता है,
तो देखो 180 पहले से था और ये दोनों का सम 150 आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा ये 30 डिग्री। तो एंगल ए हम लोग निकाल लिए, एंगल ए कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब फिर से ध्यान देना, अब एंगल ए 30 आ गया और ये एंगल, ये वाला लाइन ए एन क्या है, बाइसेक्टर। अगर ए एन बाइसेक्टर है, यहाँ लिख लो, इफ ए एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन एंगल ए इक्वल टू, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू बी ए एम, है ना, या ऐसा लिखो बी ए एन, है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ए एन प्लस, ठीक है, और एम ए, अच्छा बी एन हो गया, बी ए एन और एन ए सी होगा ना, ये दोनों का सम आएगा। ठीक है, अब देखो एंगल ए का हाफ, ये दोनों तो इक्वल होगा, इसका होगा कि नहीं होगा, तो यह ऐसे लिख लो कि एंगल ए इक्वल है कितना 30 डिग्री के, ठीक है, ये दोनों का सम होगा कितना 30 डिग्री के इक्वल में, तो एंगल ए 30 आया ना, 30 तो नहीं आना चाहिए। दो 70 और 20 कितना आता है 90, यहाँ 80 लिखा हुआ है, कितना आएगा 90, तो लेस कितना हुआ यहाँ पर 90 होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 90, ठीक है, तो ये एंगल कितना का आ रहा है 90 का, ठीक है, तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है, और एन बाइसेक्टर, अगर एन बाइसेक्टर है तो एंगल ए का हाफ, ठीक है, एंगल ए का हाफ इक्वल होगा एंगल बी ए एन, ठीक है, और एंगल ए का हाफ ये भी इक्वल होगा किसके, एंगल एन ए सी के। ठीक है, तो एंगल ए का हाफ है कितना, तो एंगल ए है 90 डिग्री और इसका हाफ इक्वल होगा किसके, एंगल बी एन के, और ये इक्वल होगा एंगल एन ए सी के, आपस में तीनों इक्वल होगा, तो ये कितना आ रहा है 45 डिग्री, ये होगा एंगल बी एन का भी वैल्यू होगा कि नहीं, और ये 45 डिग्री होगा एंगल एन ए सी का भी वैल्यू, है ना, लेकिन हम लोग को निकालना है एंगल एम ए एन। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल को देखो, ए बी एम को, ठीक है, ये 90 डिग्री इधर कितना होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, इतना छोटा एंगल पता कर लो। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी एम, है ना, ए बी एम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एम, अच्छा इस एंगल को ए लिखने से अच्छा होगा ऐसा लिखेंगे बी ए एम, एंगल बी ए एम, तो सब एंगल का नाम लिख लेते हो बढ़िया रहेगा ना, एंगल बी ए एम प्लस एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम प्लस एंगल ए एम बी, है ना, ए एम बी, ये तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब कौन कौन सा गिवन है, देखो एंगल बी ए एम गिवन नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, है ना, प्लस एंगल ए बी एम, ए बी एम कितना गिवन है 70 डिग्री, प्लस एंगल ए एम बी, ए एम बी ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री गिवन है।
और ये तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। अच्छा ये जो तीनों का सम हम लोग लिखेंगे किसके लिए लिखे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज है ना। ठीक है, यहाँ से एंगल बी एम निकाल लो, बी ए एम किसके इक्वल आएगा, तो देखो इसका सम करा लो कितना आएगा 160। इस पहले से 180 था, ये 160 प्लस का इक्वल को उधर जाकर लिख लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये एंगल देखो, ये एंगल मिल गया हम लोग को 20 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना है 45 डिग्री है ना। तो देखो एंगल यहाँ से काउंट करते हैं, बी ए एन, एंगल बी ए एन इक्वल है, ठीक है, किसका किसका, बी ए एम, एंगल बी ए एम प्लस एंगल एम ए एन होगा ना, एम ए एन। ठीक है, सबका वैल्यू पुट करो, ये पता हमको कितना 45 डिग्री उधर निकाले अभी हम लोग है ना, एंगल बी एम, तो देखो ये 45 डिग्री है और एंगल बी ए एम, बी ए एम ये एंगल अभी निकाले हम लोग कितना है 20 डिग्री, अब प्लस में क्या है एंगल एम ए एन, ये भी नहीं निकाले हैं, एम ए एन एक्स वाला जो है। ठीक है, अब यहाँ से इसको फाइंड कर लो, तो देखो एंगल एम ए एन को यहीं रहने देंगे, 45 पहले से था और ये 20 इधर लेकर आ जाओ, कितना हो जाएगा माइनस का, तो देखो एंगल एम ए एन कितना आ जाएगा 25 डिग्री, यही निकालना है। तो ये एंगल कितना आ गया हम लोग के पास 25 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा होगा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में इन द गिवन फिगर, अच्छा को फिगर है तो देखो किस तरह से, ये लाइन है एक, इस लाइन का नाम दिया है लोग ई और एफ, और यहाँ से एक लाइन और है जो इसके पैरलर है, ए और डी। ठीक है, अब देखो एक लाइन यहाँ से इस तरह से दिया है ऐसे, और इस लाइन को और थोड़ा प्रोड्यूस कराया करा दो, और यहाँ से इसको मैच कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है, ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम है बी, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, और ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है ये वाला, और ये गिवन है 55 डिग्री, और ये गिवन है 29 है, ये 25 है, ये 25 डिग्री है ये वाला एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर बी ए डी, बी ए और डी ये क्या है, पैरलर है किसके, ई एफ के, मतलब ये लाइन पूरा और ये लाइन पैरलर है, गिवन है। ठीक है, तो गिवन जो जो हम लोग लिख लेंगे, पहले गिवन क्या है कि बी ए डी है ना, बी ए डी पैरलर है किसके, ई एफ के, ई एफ के, ये एक गिवन है। और गिवन है एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ 55 डिग्री है, कौन सा एंगल, एंगल ए ई एफ ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो और क्या गिवन है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी तो कौन सा एंगल का बात हो रहा है, ए सी बी ये एंगल कितना गिवन है 25 डिग्री। ठीक है, फाइंड करना हम लोग को, फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, ए बी सी ये फाइंड करना है। तो देखो कितना आसानी से होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं
ईएफ जो है पैरलर है किसके एडी के, ये गिवन हम लोग के पास। अगर ये दोनों पैरलर है ठीक है, तो एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, ए ई एफ प्लस एंगल एफ सॉरी यहाँ से ई ए डी, एंगल ई ए डी, ये दोनों का सम कितना होगा? अच्छा क्यों होगा? ये को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल है। हम लोग पढ़ कर रहा है लेंसर एंगल में, तो देखो एंगल ए ई एफ, ए ई एफ कितना है 55 डिग्री और प्लस एंगल ई ए डी, ये हम लोग को पता नहीं है, दोनों का सम पता है ना 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एंगल ई ए डी, कौन सा एंगल? ई ए डी, ये वाला एंगल है ना, कितना आ जाएगा बोलो? 180 पहले से था और ये 55 प्लस का इक्वल को उधर लेकर चल जाएंगे ठीक है, तो एंगल ई ए डी कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग को मिल गया है 125 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा एंगल है? ई ए डी और एंगल बी ए सी दोनों इक्वल होगा, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ठीक है, अब देखो एंगल ई ए डी इक्वल है एंगल बी ए सी के, होगा ना, बी ए सी के। एंगल ई ए डी कितना है 125 डिग्री और ये इक्वल आ जाएगा एंगल बी ए सी के। तो यहाँ से एंगल बी ए सी पता चल गया हम लोग को कितना 125 डिग्री। अब एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर एंगल बी ए सी, तो देखो इन ट्रायंगल बी ए सी में एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी होगा ना, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी तीनों का सम कितना होगा, क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है। अब ध्यान दो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल बी ए सी कितना है 125 प्लस एंगल ए बी सी निकालना हम लोग को है ना, प्लस एंगल ए सी बी कितना है, ए सी बी ये 25 है और तीनों का सम हम लोग को पता है 25 है सिर्फ ना, तीनों का सम पता हम लोग के पास है 180। तो एंगल ए बी सी निकालना है, ए बी सी को यहाँ लिख लो प्लस ये 125 और 25 कितना होगा 150 और सबको सब हमको पता है 180। तो एंगल ए बी सी यहाँ से निकाल लो कितना आएगा 180 माइनस में 150, ये प्लस का था ना इक्वल को उधर चला गया, तो एंगल ए बी सी आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। बहुत आसान है, सबसे पहले पैरेलल लाइन है और ये ई ए क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ लिख लो ई ए क्या है, ई ए इज अ ट्रांसवर्सल है ना। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, वहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे, ये आया 125, अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, होगा ना, तो ये इक्वल होगा तो ये 125 होगा ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग चाहते तो ये एंगल को इसके इक्वल रख लेते है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना ये और ये 55 आता, यहाँ से हम लीनियर पेयर बना के इसको निकाल लेते है ना। तो हम लोग क्या किए, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट चले हैं, इसको निकाल लिया डायरेक्ट इसको इक्वल कर लिए,
तो जो तरीका होगा लाइन्स और एंगल्स का सिस्टम में, वो तरीका यहाँ फॉलो करेंगे, ट्रायंगल्स का कुछ सिस्टम लगाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 में क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है इस तरह से, ये है इसे इस तरह से एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी और इस पॉइंट का नाम है सी, और इस लाइन में ए सी लाइन में एक परपेंडिकुलर है इस तरह से, परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ कितना का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, है ना, और ये लाइन प्रोड्यूस कराया गया है पॉइंट ई तक, क्लियर है। तो फिगर क्या क्या कैसे गिवन है ये देख लो, एक ट्राइंगल गिवन है, पहले ये ट्राइंगल देख लो क्या ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है, और इस ए सी साइड में, ए सी साइड में एक परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और क्या फाइंड करना हम लोग को, फाइंड एंगल एफ सी डी, तो ये एंगल है, ये लाइन है डी, एफ सी डी, तो एफ सी डी कहाँ है, तो कौन सा एंगल निकालना हम लोग को, एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करके देना है। और क्या गिवन है, ये एंगल ए बी सी जो है ये रेशियो में है, गिवन क्या है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है किसके, तो 3:2:1 के रेशियो में, ये गिवन है, और हम लोग को फाइंड करना है एंगल ई सी डी को, ठीक है, तो देखो कितना आसानी से कर लेंगे, होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना आएगा, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, और एंगल ए बी सी का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ लेकिन रेशियो दिया हुआ है, और जब रेशियो से कुछ एंगल निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में एक्स लगा लेते हैं, 3x, 2x और 1x, ठीक है, तो एंगल ए का रेशियो कितना है, 3x प्लस एंगल बी 2x प्लस एंगल सी 1x मतलब x, है ना, 1 × x = x, तो देखो तीनों का सम कितना है, 180, सम कराओ कितना आएगा, 6x = 180 डिग्री, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 180 डिग्री और अपॉन में 6, कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 30 डिग्री, तो देखो x का वैल्यू निकल गया, अब एंगल A किसके इक्वल था, 3x के, तो 3 × x का वैल्यू कितना है, 30, तो कितना आ जाएगा एंगल A, 90 डिग्री, उसी तरह से एंगल B निकाल लो, एंगल B किसके इक्वल है, 2x के, तो 2 × 30 कितना आएगा, 60 डिग्री, है ना, और एंगल C इक्वल है x के, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, तीन एंगल फाइंड हो गया। तो ध्यान दो, ये एंगल A जो है ये कितना है, 90 डिग्री, और एंगल B जो है ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, अब ध्यान दो, अच्छा एंगल C भी लिख लो, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेकिन एंगल C लिख लो, ठीक है, अब देखो ये पूरा एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और इस एंगल में इसका वैल्यू तो हमको पता है कि परपेंडिकुलर है, तो कितना होगा ये, 90 डिग्री होगा ये, है ना, ये निकल जाएगा, है ना, तो ऐसे लिखेंगे, या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि बी ई क्या है लाइन, तो एंगल ये और ये और ये तीनों का सम कितना आएगा, 180, है ना, तो वहाँ से भी यहाँ निकाल लेंगे हम लोग, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगा दें, एक्सटीरियर एंगल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो देखो एंगल
ई सी ए, ठीक है, एंगल ई सी ए इक्वल होगा किसके, तो एंगल ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी होगा ना, एंगल बी ए सी के, क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा। अब देखो एंगल ई सी ए, ये वाला एंगल ई सी ए कौन कौन सा एंगल मिलकर बना है बोलो, तो ये बना है ए सी डी है ना, एंगल ए सी डी है ना, प्लस एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, ये दो मिलकर बना है। अच्छा एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है ना, एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, ठीक। फिर से एंगल ए सी डी, ए सी डी कितना है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये है ना, प्लस एंगल डी सी ई, यही फाइंड आउट करना हम लोग को, एंगल डी सी ई इक्वल होगा, ऐड करा इसको, 150 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी सी ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150, और ये माइनस का 90 उधर चला जाएगा, प्लस का था इक्वल किधर, उधर चला जाएगा, तो माइनस का 90। तो एंगल डी सी ई निकल कर आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, 60 होगा ना, 60 डिग्री, और ये फाइंड करना था हम लोग को है ना। तो ये इतना सा एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 में ये फिगर गिवन है, और इस फिगर में क्या क्या है ये लिख लेना है। गिवन है कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी ई के, है ना, और क्या गिवन है कि ये लाइन बी डी, बी डी भी पैरेलल है किसके, एफ सी के, है ना। अब देखो करना क्या है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, कि ए बी अगर पैरेलल है इसके डी के, और ये बी डी, बी डी क्या है, बी डी इज और ट्रांसवर्सल, ठीक है, देन एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा बी डी ई के, है ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, बी डी ई है ना, तो ये एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए बी डी है कितना, 50 डिग्री है ना, ये एंगल 50 डिग्री है, ए बी एंगल कितना होगा, 50 डिग्री, तो एंगल बी डी ई भी 50 डिग्री होगा, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो पहले तो ये लिखेंगे बी डी, यहाँ लिख लेते हैं बी डी पहला है किसके, एल सी के, एल सी के, ठीक है, और ये लाइन डी एफ, डी एफ क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन तो ये लाइन और ये लाइन गिवन है पैरेलल है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन में ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना है, 50, तो ये एंगल भी कितना होगा, 50, तो एंगल सी डी ई, क्या बोला इसे, बी डी एफ, बी डी एफ इक्वल होगा एंगल डी।
बी डी एफ एंगल है कितना का 50 डिग्री और ये एंगल होगा इक्वल एंगल डी एफ जी जी ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल निकलता रहा के मिला 50 डिग्री ठीक है। अब देखो ए जी क्या है एक लाइन ऐसे बोलो ए एच एच क्या है लाइन तो एच इज अ लाइन है ना। देन एंगल वाई प्लस ये एंगल और एंगल एफ जी एच एंगल एफ जी एच कितना आएगा 180 डिग्री क्यों लीनियर पे। तो देखो एंगल वाई पता नहीं है हमको एफ जी एच पता है ना 120 डिग्री और दोनों सम पता है 180 डिग्री। तो एंगल वाई इक्वल होगा 180 माइनस 120 ना ये 20 प्लस का इक्वल को दर्ज चला गया तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल वाई निकल कर आ गया 60 डिग्री। अब तो फिर ट्रायंगल नजर आ रहा है एफ जी ई तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एफ जी ई एंगल एफ है ना एंगल एफ प्लस एंगल एक्स है ना प्लस एंगल वाई इक्वल होगा किसके 180 के क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल एफ कितना है 50 डिग्री एंगल एक्स को पता नहीं है एंगल वाई कितना है 60 डिग्री है ना और ये सब सब उनको पता है 180 डिग्री ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू तो ये और ये इसका दोनों का समकरण 50 और 60 कितना आएगा 110 180 पहले से था इक्वल किधर और ये दोनों का सम को इक्वल उधर लेके चलेगा क्या हो जाएगा माइनस का 110 तो x कितना आ जाएगा 180